प्रियंका गांधी को मिर्जापुर में रोके जाने पर गोरखपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अंबेडकर चौक पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने सरकार के प्रति विरोध जताया। इस अवसर पर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जिस तरह से उनकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को रोका है वो कतई सही नहीं है। वे विरोध दर्ज कराते हैं और पार्टी हाईकमान का जैसा निर्देश मिलेगा आगे आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। इस मौके पर गोरखपुर इकाई के कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष राकेश यादव, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मधुसूदन त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, राकेश यादव जिला अध्यक्ष गोरखपुर, हमारी राष्ट्रीय सचिव और हमारे नेता अजय लल्लू जी जो है बनारस में उन लोगों को देख के जिनका सोनभद्र में हत्याएं हुई है और जो घायल हुए हैं उन मरीजों उनको उन्होंने अस्पताल में देखा और फिर घटना स्थल पर जाकर लोगों से मिलकर और लोगों से बात करना चाह रही थी, लेकिन प्रशासन को और सरकार को ये डर है कि कहीं ये नेता अगर वहाँ पहुँच जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उनकी सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी। इसी कारण से उन लोगों ने अनावश्यक रूप से हमारे नेताओं को रोकने का कार्य किया और अगर हमारे किसी नेता को सरकार द्वारा अगर उत्पीड़ित किया जाएगा तो हम सरकार के ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे।